हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और ये व्लॉग मैं कंटिन्यू स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ से मैंने स्टॉप किया था ना, वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको मैंने लास्ट में लंच की प्लेट दिखाई थी, तो उसके बाद का ये कंटिन्यू है। तो ये मैं जा रही हूँ अपना हॉस्पिटल। आज मेरा तीसरा इंजेक्शन कम्प्लीट हो रहा था। मैं कहा चलो आई हूँ तो एक बार बीपी भी अपना टेस्ट करवाती जाऊँ। तो बीपी तो ठीक था ना, 140 आया, तो वो थोड़ा सा अभी कंट्रोल में आ गया है। और डॉक्टर जो वहाँ नर्स थी जिन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाया, तो बोली थी कि ये पेनफुल इंजेक्शन है, तो थोड़ी देर यहाँ 5 मिनट रेस्ट करो, क्योंकि अचानक इंजेक्शन लगाओ और दर्द हो ना, तो कई बार चक्कर आने का भी डर रखता है। और मैं अकेली भी गई थी, तो उन्होंने बोला कि 5 मिनट यहाँ रेस्ट कर लो। और गाइज, आप लोगों को मैं पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने ऑनलाइन एक ड्रेस मंगवाई है, चूड़ीदार जो है सूट, तो उसी के साथ मैं अपना चूड़ियाँ या इयररिंग्स वगैरह देखने गई थी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा बीपी कितना होता गया है। पहले 190 था, फिर 160 कुछ हुआ, फिर अभी 140 पे आ गया। तो बस ऐसे ही मैं अभी थोड़ा सा नॉर्मल होती जा रही हूँ। ठीक है, अभी कंट्रोल में आ गया बीपी। और यहाँ भी शाम का टाइम है, तो यहाँ पे अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। ये व्लॉग गाइस सैटरडे का है, ये व्लॉग आपको सैटरडे और संडे का दोनों का मिक्स जाएगा, क्योंकि वही सेम रूटीन होती है मेरे घर की, वही क्या दिखाऊँ बार बार, तो जो होता है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो ये शाम का टाइम है और कोई भी नहीं था घर में, सब अपने अपने गए हुए थे। तो मैं यहाँ अपने कपड़े धो रही हूँ, और आपको पता कि उस दिन पानी भी नहीं आया था, तो छोटी लगी हुई थी कि चलो आज बाहर ही हम डिनर करते हैं। तो ये भी गई हुई थी फ्रेंड्स के साथ, ये रात को आई है, 7-7:30 बजे आई है। तो इसी का बस वेट कर रहे थे हम दोनों कब आए, तो हम लोग वापस अपना मतलब होटल जाएँ। तो बस ये आई थी, इसको वहीं से रास्ते से पिकअप किया और यहाँ हम लोग तीनों होटल आ गए। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो नहीं खाया, सिर्फ तंदूरी रोटी हमने ली थी, और अपने लिए हमने पनीर लिया था, इनके लिए मशरूम ऑर्डर किया था, और एक मीठी लस्सी का मैंने ऑर्डर किया था जो कि काफ़ी टेस्टी थी। तो यहाँ पे थोड़ा शोपीस वगैरह लगा हुआ था, वो मैं कहा चलो आपको दिखा दूँ। काफ़ी अच्छा पंजाबी स्टाइल में बना हुआ ये होटल, ढाबा ही है, पंजाबी ढाबा है। तो ये है टिप सुंदरा में, और काफ़ी टेस्टी खाना मिलता है, और रेट भी रिजनेबल है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। तो ये है पंजाबी नवाबी, पंजाब क्या लिखा है, पंजाबी नवाबी लिखा है ना। तो काफ़ी अच्छा ये होटल है, यहाँ पे मैंने अपनी लस्सी मंगवाई थी, तो वही हम पी रहे थे। बस गाइस, लस्सी में एक कमी उन्होंने कर दी बीच में, जो है ना इलायची पीस के डाली। ठीक है, पीस के डालो, पाउडर डालो, समझ आता है। उन्होंने पूरे दाने छील के सब डाल दिया था, तो वो मुंह में जो आ रहा था ना, वो एक मेरे को इरिटेट कर रहा था, तो वो मेरे को एक माइनस में पॉइंट लगा। बाकी लस्सी भी बहुत स्वाद थी और खाना भी बहुत ही टेस्टी था, जैसे होता है ना प्रॉपर पंजाबी खाना, तो वही था, काफ़ी अच्छा था। और थोड़ा थोड़ा ही मंगवाया हमने, ज़्यादा नहीं मंगवाया, क्योंकि कोई इतना हम तीनों ने ज़्यादा खाना नहीं था, तो वेस्ट करने से क्या मतलब था। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, तो यहाँ अभी मैं अपने लिए और इनके लिए चाय बना रही थी, छोटी अभी सो रही थी, तो साथ में मैंने मखाने भी थोड़ा सा अपना रोस्ट कर लिए, और हम दोनों ने आगे मैं बड़ी के साथ पी थी। अभी मैंने पिछले व्लॉग में आपको बोला कि मैं पहली चाय बड़ी वाली के साथ पीती हूँ, वंशिका के साथ, बट आज संडे था तो इनके साथ मैं पी रही हूँ, क्योंकि वो थी नहीं घर में, अपने फ्रेंड के गई हुई थी, तो इनके साथ चाय वगैरह पी के। तो ये सुबह का ही 10-10:30 बजे का टाइम है, तो हम लोगों ने जाना था नामधारी स्टोर, ये ले गए मेरे को स्पार हाइपर मार्केट जो भी है, तो वहाँ पे ले गए। मेरे को भी सरप्राइज हो गया कि ये जा कहाँ रहा है सीधा, तो कहते मैं स्पार में ही जा रहा हूँ, तो वहीं से अंजीर वगैरह पूरा ड्राई फ्रूट जो भी है सस्ता मिल जाएगा तुम्हारे लिए। तो बस एक चीज़ लेने जाओ तो आपको पता है सामने चीज़ें दिखती जाएँ तो 10 चीज़ें लेने का मन भी करता है, और फालतू तो हमने कुछ भी नहीं उठाया, जो भी था घर का सामान था इग्नोर भी कर सकते थे, बट हमने कहा चलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू वनीता गाई व्लॉग्स। हम आज आए हैं स्पार मार्केट, और वो भी सुबह सुबह आ गए, देवी जी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज। एक्चुअली हम आए थे अंजीर के लिए, और देवी जी ने ज़बरदस्ती अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए ये दो नवी शर्ट ले ली, हालांकि हमारे जो अलमारी में जगह नहीं है रखने के लिए, टी शर्ट रखने की जगह ली है और इन्होंने लेके दे दी है। अब ये पता नहीं कहाँ पर ठूसेंगे, समझ में नहीं आ रही मेरे गाइस। मैंने अपने लिए फर्स्ट चीज़ उठाई है स्पार मार्केट में, ये मेरे 1 लीटर का पैक, हफ्ते में 2 लगते हैं मेरे,
एक स्टेपल डाइट है, बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल ड्रिंक, टोटली शुगर फ्री विदाउट एनी शुगर। इसलिए हमारा मेन पर्पस था ड्राई फ्रूट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया जगह है ड्राई फ्रूट्स के लिए। अंजीर इनके लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया है, तो वो भी हम देखने आए थे। तो ये हमारा पूरा डेयरी का सेक्शन जिसको हमारी देवी जी ने रिजेक्ट कर दिया है, यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जाते टाइम पूरा हाँ गर्मी में शायद ख़राब होने का चांस रहता है। गर्मी है नहीं बट बाहर अभी थोड़ी सी धूप है, तो धूप है और हमने अभी एक स्टॉप और मारना है, डोसा बैटर का है। ये पड़े आपके नहीं है, हमारे लिए हाँ आपके मेरे नहीं है। अभी दिखा रहे हैं ना, अरे मैं टोटली सब दिखा देंगे एक ही बार, अच्छा लगता है लोगों को देखना हम लोगों ने क्या शॉपिंग। तो गाइस हमने जितना सामान लेना था हम लोग ले चुके हैं, यहाँ बस अभी बिलिंग वगैरह हो रही है। तो वहाँ पे पता नहीं क्या अजीब सा गर्मी हो गई थी, क्या था सफोकेशन हो रही थी, मेरे को चक्कर सा आ गया था एकदम। तो इन्होंने बोला वहाँ जाके बैठ जाओ, मैं बिलिंग करवा लेता हूँ। तो बस अभी हम लिफ्ट में जा रहे हैं, तो हमारी शॉपिंग बास्केट है पूरी, ये हमारे को ये दो चीज़ें ऑफर में मिली है कि मतलब इतने खरीदारी के ऊपर आपको ये सब्सिडाइज रेट में मिलेगा। तो ये देवी जी ने इरेजिस्टिबल ऑफर ले लिया, ये पूरी शॉपिंग कर ली है। ये हमारे अंजीर की बास्केट में ये आप समझ लीजिए पूरा हमारे ट्रॉली फुल हो गई है। तो हम एक्चुअली यहाँ से रतनदीप भी जाने वाले थे और कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, यहाँ पर सब कुछ मिल गया तो हमने यहीं से सब कुछ ले लिया। वो छोटा बिल आया हमारा, वैसे बस 6,000 कुछ आया बस, और हमारी एक्चुअल खरीदारी थी सिर्फ 400 रुपये की। तो वही है ना गाइज, लेने कुछ हो तो लेके कुछ जाते हैं और मोटा का बिल बन गया हमारा। खैर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जो चाहिए था इन्होंने लेके दिया, इनको जो चाहिए था मैंने भी मना नहीं किया कि क्यों उठा रहे हो, क्योंकि कुछ भी नहीं उठाया गाइज। आप लोग मैं ये व्लॉग अलग डालूंगी, और इन्होंने ग्रॉसरी की शॉपिंग इतनी प्यारी वीडियो इन्होंने बनाई है ना गाइज, तो आप लोग देखना। और यहाँ पे ये मैं एक सैंडविच लेके आई थी, रेडीमेड सैंडविच था, तो काफ़ी अच्छा निकला, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया। ऐसा आप लोग मेरे ख्याल से प्लेन में खाते होंगे, तो सेम टू सेम वही था। तो यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम है, तो दोपहर को मैंने यहाँ बनाए थे राजमा, संडे स्पेशल। वैसे संडे को मेरे घर लगभग हर संडे काबुली चना बनता है, तो इस संडे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैं कहा चलो इस बार राजमा बना लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आपको मैं एक छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ जो हमने व्लॉग अपना शूट किया है शॉपिंग का। तो यहाँ पे हो गई थी अभी शाम को हो गई थी काफ़ी तेज़ बारिश। मेरा संडे का प्लान था कि वो मैं सूट डाल के जाऊँगी जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, तो मेरा हो गया पूरा चौपट जाना। मैं इनको थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई, मैं कहा हर संडे का आपका ये कि आप अपना बस ग्रॉसरी का सामान उठाने लेके चले जाते हो मेरे को उठा के, तो मेरे को कहीं घुमाने नहीं ले जाते, बस मेरा काम हो गया बस सब्जियाँ लाना और घर में बैठना, और कहीं पूरा हफ्ता मैं वेट करती हूँ गाइस कि मैं संडे को कहीं जाऊँगी। बट ये अभी हर बारी का हो गया कि बस हम ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, यही मेरी आउटिंग हो गई है। तो इस बार थोड़ा सा नाराज़ हुई, बट फिर क्या कर सकते थे, बारिश हो गई तो इनके हाथ में भी नहीं था, मेरे हाथ में भी नहीं था सामान सेट जो अभी लेके आए हैं। और अभी हमने इसकी छोटी सी एक वीडियो बनाई है जो जो हम लेके आए हैं सामान, तो ये देखिए पूरा सेट हो चुका है। ये है दूसरा टोफू जो मैं खाता हूँ। हाँ ये एक और टोफू है, ये हमने नहीं दिखाई, ये हम पहले ला, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नामदारी में मिलेगा। ये है तंदूरी टोफू, इसमें एक और वेरिएंट आता है स्मोक टोफू, लेकिन इसमें ज्यादा टेस्ट है, सबसे टेस्टी है ये, लेकिन इनको ये खाना मना है क्योंकि ये मसालेदार है। तो सिंस इनको बीपी की प्रॉब्लम है तो इनको मतलब मसाला और ज्यादा नमक खाना मना है, तो इसीलिए ये इनको नहीं, इनके लिए मैं प्लेन टोफू लेके आया हूँ। वो हमने वीडियो में दिखाया कौन सा लेके आए हैं। तो ये गाइस हमारी हो चुकी है फ्रिज एकदम सेट, ये वाली टोफू उल्टा दिखा रहे हो, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, ब्रियास टोफू। मौसम तो यहाँ ठंडा है गाइस, बट हमने फिर भी एक बोतल रखी हुई है पानी की, क्योंकि कभी कभी मन कर जाता है और मैं पीती हूँ ठंडा पानी। कोक भी है, डाइट कोक भी है हमारे, डाइट कोक जितने भी डाइट कोक है, जीरो शुगर कोक है,
इनसे मतलब आपको फायदा कम हानि ज्यादा होती है। एक आधी बार चलता है। हाँ जी देवी जी, क्या कर रही हो? 5 बज गए, चाय बनाऊं आपके लिए यहाँ ब्लैक टी, हमारे लिए ये वाली। ये साधारण टी शक्कर वाली, और ये मेरी है ब्लैक टी डिकॉक्शन। सौंफ इलायची वाली हमारी। रोता गई थी तो वहाँ पे मेरे को ये मिली। एक कॉफी का भी था, वो कहाँ गया? कॉफी का पड़ा है, उसमें कॉफी के पैकेट डालूंगी अभी। हाँ। कॉफी वैसे लूज डाल दो तो बहुत सारी खराब हो जाएगी। ये जो बैठो, मैं लेके आती हूँ चाय, फिर बाहर रील्स बनाते हैं हम लोग। हाँ गाइस, ये आ गई है मेरी चाय। दिस इज डिकॉक्शन ब्लैक टी। इसमें ना तो दूध है ना शक्कर है, सिर्फ थोड़ी सी सौंफ डाली हुई है और इलायची पाउडर भी है। और ठीक है गाइस, चीयर्स। आपके आप भी चाय पीजिए। चीयर्स मेरी तरफ से। ठीक बनी है चाय? ठीक बनी है चाय? मेरे लिए तो अमृत है। अमृत। 1000 years later। गाइस यहाँ पे अभी मैं आई हूँ बड़ी वाली के लिए अपना चिकन लेने। यहाँ से अभी चिकन ऑर्डर कर रखा है, तंदूरी चिकन दिया ऑर्डर। और ये छोटी बैठी है पीछे, इसने मेरा दुपट्टा ले रखा है, बोल रही है ठंड लग रही है, मैं ये ले चुनी ले गई। गाइस यहाँ पे बन रहा है इनके लिए डोसा, यहाँ बन चुके हैं चावल, और ये राजमा तो है ही है, बस अभी थोड़े से रह गए हैं। और ये इनका डोसा बैठा। यहाँ इन्होंने बच्चों ने अभी पानी पूरी बनाई है। बर्तन लगभग खाली हैं सब, कोई भी नहीं है, क्योंकि कल मेरी भी नहीं आना, तो बस अभी डिनर का टाइम है, तो बस अब हम खाना खाने लगे हैं। चलिए गाइस, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने लगी हूँ, क्योंकि अभी हो चुका है डिनर का टाइम। सबको फटाफट खाना दे दूँ। यहाँ इनके लिए डोसा बन रहा, जैसे ही बताया चावल बन चुके हैं, और मैं कहा चलो खाने से पहले इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। मिलते हैं दोबारा से, और कल मैरी ने भी नहीं आना, तो अभी जो भी बर्तन, वैसे भी रात को हम करके सोते हैं, अभी भी जो साथ साथ होए जा रहे हैं करे जा रहे हैं हम लोग, भाई एक चाय का दीपिका का कप पड़ा है वो भी कर लेंगे। तो बाय बाय। और कैसी लगी आप लोगों को इनकी शॉपिंग का व्लॉग, बताना कमेंट करके। शायद वो अभी आएगा, इससे पहले आएगा या बाद में आएगा पता नहीं। ये संडे का रूटीन में अलग डालूंगी, वो शॉपिंग का व्लॉग में अलग डालूंगी। तो बताना आप लोग कमेंट करके कैसा लगा। बाय बाय, गुड नाइट।